हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंसेप्शन इन्फोटेक। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि विंडोज 10 में जो SM बस कंट्रोलर का ड्राइवर प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले जो डिस पीसी होगा यहाँ पे आप लोगों को राइट क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिवाइस मैनेजर, देन क्लिक हियर इन डिवाइस मैनेजर। तो आप लोगों को ये जो डिवाइस मैनेजर का मेन विंडो है वो आप लोगों को दिखाई देगा। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि जो SM कंट्रोलर का ऑप्शन है वहाँ पे ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ रहा है एक क्वेश्चन मार्क इन अदर डिवाइसेस। दैट मींस आप लोगों का जो SM बस कंट्रोलर का जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या कोई भी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपली यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, देन अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेटेड ड्राइवर सॉफ्टवेयर एंड ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको नीचे पे एक ऑप्शन मिलेगा, लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट डिवाइस ड्राइवर्स ऑन माय कंप्यूटर। तो सिलेक्ट हियर एंड नाउ यहाँ पे आपको सो ऑल डिवाइसेस एक लिस्ट मिल गया है। तो यहाँ पे आपको नीचे जाना है, जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम डिवाइसेस। तो आपको क्या करना है, सिस्टम डिवाइसेस पे क्लिक करके नेक्स्ट में जाना है। नाउ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटेल, तो आपको फाइंड करना है इंटेल। तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद जो मॉडल सर्टिफिकेट से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको फाइंड करना है SM बस कंट्रोलर का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे SM बस कंट्रोलर का ये सर्टिफिकेट सिलेक्ट कीजिए, देन क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग ओपन हुआ है, अपडेट ड्राइवर वार्निंग। सो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपका जो मैसेज है, विंडोज हैज सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर सॉफ्टवेयर। जो आपका SM बस कंट्रोलर का प्रॉब्लम था वो सक्सेसफुली आपका सॉर्ट आउट हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्लोज कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे एक बार स्कैन करके देखिए जो आपका प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। तो देखिए ये आपका सॉर्ट आउट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।